आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ओम गणपतये नमः। अमेज नाउ के एस्ट्रो वर्ल्ड कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है, अधिक मास का दूसरा सोमवार है, मंदिरों में भारी भीड़ है। हम लोग आज बात करेंगे अधिक मास में और क्या किया जाए उत्तम लाभ की प्राप्ति हो। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे रोचक तथ्यों पे। सूर्य के साथ ऐसा कौन सा ग्रह है जो मिलकर के महायोग का निर्माण करता है। प्रायः सभी ग्रह सूर्य के साथ जब होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रह है जो साथ में रह करके महायोग का निर्माण करता है। आइए सबसे पहले नवमंडल में ग्रह की स्थिति। 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 के बीच ग्रह स्थिति इस प्रकार है। सूर्य कर्क में, बुध शुक्र मंगल सिंह में, बृहस्पति राहु मेष में, शनि कुंभ में, केतु तुला में, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि पर विराजमान रहेंगे। आइए इस सप्ताह कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। आइए आज सावन का सोमवार है, 1 अगस्त 2023 को स्नान दान इत्यादि पूर्णिमा की व्रत रहेगी। साथ ही सावन का अधिक मास की पूर्णिमा भी यह रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, व्यापार एवं नौकरी में विस्तार के योग, प्रेम संबंधों में सावधानी से रहें, नए वस्त्र या उपहार मिलने के योग, स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, कोई धार्मिक यात्रा संभव। वृष, कोई चली जा रही परेशानी का अंत होने जा रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, नए वाहन के योग बन रहे हैं। मिथुन, मित्रों का साथ मिलेगा, व्यापार में नए अनुबंध प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम, शैक्षिक कार्यों में सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, पूजन पाठ में मन लगेगा। आइए एक कालर है श्री अनिल यादव जी महाराजगंज से, उनको देखते हैं। जी अनिल यादव जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 20/12/1992, सुबह 5:50, जन्म स्थान महाराजगंज। अनिल यादव जी, आपका लगन निकला 20/12/1992 सुबह 5:50 सुबह के अनुसार लगन निकला वृश्चिक। राशि आ रही है तुला। स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि में शुक्र चल रहे हैं 23 जून 2024 तक। निश्चित तौर पे आपका समय उत्तम चल रहा है। आपका प्रश्न है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। निश्चित तौर पे 29 सितंबर 2023 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, या जिस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे सफलता मिलने जा रही है आपको। ज्योतिष उपाय में एक अच्छा अच्छा पुखराज 6 से 7 रत्ति का तर्जनी धारण करना होगा। साथ ही एक माणिक के भी 6 से 7 रत्ति का अनामिका में धारण कर रहे हैं, और एक रुद्राभिषेक गन्ने के रस से कराइए। हरी कृपा। आइए साप्ताहिक राशिफल। कर्क, जो बच्चे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव। कानूनी वाद विवाद से बचें, थोड़ा उदर के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सिंह, विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे। किसी भूमि या फ्लैट में विजय के योग। शेयर मार्केट में सावधानी से कार्य करें। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, किंतु धन के नए आपके नए मार्ग बन रहे हैं। कन्या, मानसिक शांति रहेगी, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि,
व्यर्थ के क्रोध से बचें, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आइए एक कॉलर हैं श्री सुनील कुमार जी गोरखपुर से, उनको देखते हैं। जी सुनील कुमार जी, आपका जन्म लगन है, जन्म तिथि बताया आपने 12 जुलाई 1981, शाम को 4:55, जन्म स्थान है गोरखपुर। आपका प्रश्न है वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। सुनील जी, आपका 12 जुलाई 1981 के अनुसार लगन निकला वृश्चिक, राशि भी निकला वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। आपका प्रश्न है वैवाहिक स्थिति कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे दशा अभी चल रहा है केतु में बुध का, आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, साथ ही करियर के क्षेत्र में लाभ मिलने जा रहा है। आपको ज्योतिष उपाय में देसी मूंगा 8-10 रत्ति का दाएं हाथ की अनामिका में धारण करें, एक रुद्राभिषेक करावें शहद से, साथ ही श्री अगला स्त्रोत मंत्र का निश्चित तौर पे डेली आप जाप करें। आइए पुनः साप्ताहिक राशिफल तुला। मीठे खान पान पे रुचि बढ़ेगी, संतान की तरफ से सुखद समाचार, आय के नए मार्ग बनेंगे। राशि पर स्थिति इस समय अच्छी चल रही है, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, वर्चस्व में वृद्धि होगी। वृश्चिक, किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे, साथ ही किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का भी योग है, किसी संपत्ति में वाद विवाद से बचें, व्यापार में विस्तार के योग, सावधानी से कार्य करें, उदर रोगों में सावधानी से रहें। धनु, नौकरी में धैर्य बनाए रखें, साझेदारी में मन मुटाव हो सकता है, संयम से रहें, धन के नए मार्ग बनेंगे, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, उधार लेने से बचें। मकर, कला संगीत क्षेत्र में रुझान, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के योग, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव, अचानक अच्छे धन लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। कुंभ, कानूनी वाद विवाद से बचें, गृह में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, परिवार में जहां तक हो सके वाद विवाद से दूर रहें, कर्ज के लेन देन में सावधानी से रहें। मीन, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से लाभ के योग, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे, बैंक या शेयर से जुड़े कार्यों को सावधानी से निपटारा करें। व्यापार क्षेत्र में उत्तम स्थिति, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी होगी। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। आज हम लोग पुनः बात करेंगे रोचक तथ्यों की। दूसरा पखवाड़ा भी अधिक मास का चल रहा है, आज श्रावण का चौथा और अधिक मास का दूसरा सोमवार है। धर्म परायण वाले व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, सामूहिक या व्यक्तिगत दोनों ही करने से आध्यात्मिक लाभ में विकास होता है। अधिक मास के 33 देवता कहे गए हैं, इसमें 33 देवताओं के लिए 33 कांसे की थाली में मालपुआ बना करके भोग लगाना चाहिए, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। यह अधिक मास बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। आज हम लोग बात करेंगे रोचक तथ्यों पे। सूर्य के साथ ऐसा कौन सा ग्रह है जो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है साथ जुड़ने से।
अन्य प्रायः सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध नामक महाग्रह सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। इसमें अगर बुधादित्य योग का निर्माण लग्न में, केंद्र में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में हो तथा मूल त्रिकोण लग्न पंचम या नवम में हो, सूर्य की तरह तेज चमकने वाला स्पष्ट वक्ता पराक्रमी उत्तम न्याय प्रिय साथ में बौद्धिक क्षमता बुद्ध के जुड़ने से वह व्यक्ति राजयोग की तरह वह निर्माण करता है। साथ ही न्यायाधीश पद, उत्तम राजनेता, प्रशासनिक सेवा, महापराक्रमी हो जाता है। बुधादित्य नामक महायोग महायोगों में अपना वर्चस्व प्रदान करता है। अगर किन्हीं कारणों से बुधादित्य योग का निर्माण कमजोर पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ्य देना या रविवार का व्रत रहना अत्यंत फलदायक होता है। साथ ही बुधवार को भगवान श्री गणेश जी की आराधना उत्तम फलदायक होता है। तो यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कुछ कलर की समस्याओं पर बातचीत हुई, नव मंडल में कौन से ग्रह है इस पे बातचीत हुई, साथ ही अधिक मास पे विस्तार से चर्चा हुई। आज हम लोगों ने सूर्य के साथ बुध नामक महायोगों पे विस्तार से चर्चा किया। हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह हम लोग इसी समय पुनः मुलाकात करेंगे। ओम गणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।